दोस्तों टारगेट स्टडी है क्योंकि बायोलॉजी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान के किडनी वाले टॉपिक को। तो किडनी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको सभी को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। खास बात यह है कि हम लोग हर एक क्वेश्चन को एक फोटो के माध्यम से पढ़ेंगे सो दैट आपको चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाए। यहाँ पर देखो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, उससे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, किडनी से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या बनेगा कि किडनी का फंक्शन क्या होता है, किडनी का क्या कार्य होता है। तो यहाँ पर देखो आपको बता दूँ, कई लोग किडनी और लीवर में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो किडनी अलग चीज़ होती है, लीवर हमारा अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो किडनी का फंक्शन हमारा क्या होता है, यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों वाक्य सही हैं। अब समझो किडनी का फंक्शन क्या होता है। किडनी क्या करता है, ये हमारे रक्त को साफ करता है, यानी कि हमारे ब्लड में जितनी भी गंदगी होती है उसको किडनी साफ करती है। आपके ब्लड में जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है, वाटर होता है, उसको भी किडनी क्लियर करती है। साथ ही साथ में शरीर के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन सभी अपशिष्ट पदार्थों को भी मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालती है। तभी आपने सुना होगा कि किडनी में स्टोन हो जाता है, कभी आपने नहीं सुना होगा कि लीवर में स्टोन हो गया। किडनी में स्टोन इस वजह से होता है, किडनी फिल्टर के तरीके काम करती है। शरीर के अंदर जो भी हम पानी लेते हैं उसमें जितना भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है या फिर यूरिया जो बनता है उसको मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालती है, इसी वजह से किडनी में आपका स्टोन हो जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि यह शरीर में जितने भी खनिज होती है उनको भी कंट्रोल करता है और एक हार्मोन भी उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है और आपको समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं एक किडनी का, जो कि मानव शरीर में आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पर पीठ की साइड में कमर के ऊपर हमारे स्थित है। इसको अगर लार्ज करके देखें तो कुछ इस तरीके से किडनी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ और बात करी है कि किडनी जो है ये शरीर के हार्मोन उत्पन्न करता है। तो ये कौन सा हार्मोन उत्पन्न करता है इसको भी जान लेते हैं। ये जो किडनी है ये शरीर में रेनिन नाम का एक हार्मोन पैदा करता है, जिससे कि रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बन सकता है कि किडनी कौन से हार्मोन को स्रावित करती है, उत्पन्न करती है। तो आप कह सकते हो रेनिन हार्मोन को ये पैदा करती है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बनेगा, किडनी का आकार किस तरीके का होता है। तो किडनी जो होती है यह बीन के आकार की होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बीन्स के शेप में होती है, जिसकी आप लोग सब्जी भी खाते होंगे। देखो सबसे पहले आप किडनी का शेप देख लो, ये वाला एक्सटीरियर व्यू आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल बीन्स के आकार का लग रहा है। यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये देखिए बीन्स, इस तरीके से किडनी जो होती है ये बीन्स के आकार में होती है, जैसे कि बीन्स यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। आगे चलते हैं, हमारे शरीर से कचरे को हटाने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है। मैंने आपसे बताया हमारे शरीर में जब भी हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद में जो लास्ट में प्रोडक्ट बनता है उसमें अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, शरीर के अंदर कचरा भी बनता है। तो इन सभी को शरीर से निकालने का जो प्रोसेस है उसे उत्सर्जन बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्सर्जन के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो हमारा शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनमें से जो किडनी होती है वो शरीर से यूरिया को बाहर निकालती है और जो फेफड़े होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति डायलिसिस पर होता है तो वह किस प्रकार की बीमारी से पीड़ित होता है। तो देखो अगर कोई व्यक्ति है वो डायलिसिस पर है तो इसका मतलब है कि उसको किडनी से संबंधित कोई समस्या है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि किडनी हमारे शरीर के खराब पदार्थों को बाहर निकालती है। अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो गई होगी तो डायलिसिस में क्या किया जाता है, पूरे शरीर के अंदर में जो ब्लड होता है उसको उसका शोधन किया जाता है, उससे जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से डायलिसिस के द्वारा बाहर निकाला जाता है। किडनी रोग से पीड़ित होने के लक्षण क्या हैं। तो अगर आप किडनी से पीड़ित हैं तो आपको देखो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, सांस लेने में समस्या आएगी, चेहरे पैर और सभी जगह शरीर में सूजन भी आ जाएगी। तो उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि किडनी का समस्या होने पर ये सभी समस्याएँ होने लगती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक फोटो भी देख सकते हैं,
ये रहा आपका नॉर्मल किडनी और ये रहा आपका डिजीज्ड किडनी, यानी कि जिस किडनी में बीमारी है ये वाला किडनी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, शुरुआती चरण में आपको भी बताया किडनी रोग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बाद में शरीर में सूजन, सांस लेने में समस्या, हाई ब्लड प्रेशर, ये सभी समस्याएं आपको दिखने को मिल जाएंगी। मानव निकासीय प्रणाली में निकास की इकाई का नाम क्या होता है? तो जो भी ये प्रोसेस होता है उसमें निकास की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको नेफरॉन नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, इसको नेफरॉन नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको बता देता है, शरीर में बड़े मात्रा में जो कचरा होता है उसको बाहर निकालने की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। तो ऑप्शन देकर इसको नेफ्रॉन पर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न क्या बनेगा, जब बोमन कैप्सूल और ट्यूबली को एक साथ किडनी में रखा जाता है तो ये क्या बनता है? तो देखो, बोमन कैप्सूल और ट्यूबली को एक साथ मिला देने पर नेफ्रॉन बनता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, इसमें नेफ्रॉन का निर्माण होता है। यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, देखो इस तरीके से ही होता है। ये जो कैप्सूल आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं वोमेंस कैप्सूल, और ये जो अंदर आप देख रहे हैं ये है ट्यूबली। ठीक है, तो वोमेंस कैप्सूल और ट्यूबली को आप देख सकते हैं, इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये नेफ्रॉन का निर्माण करते हैं। तो नेफ्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, किडनी के फेल होने पर सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म पर समाधान क्या होता है? तो लॉन्ग टर्म की अगर बात करी जाए, तो अगर किडनी आपका फेल हो जाता है तो लंबे समय पर इसका प्रोसेस होता है किडनी का प्रत्यारोपण। अगर कम समय के लिए बात करें तो आप डायलिसिस ले सकते हो, लेकिन डायलिसिस से आपको परमानेंट रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको किडनी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किडनी का ऑपरेशन होता है जिसमें कि किडनी आपकी किडनी जो है ये रिप्लेस कर दी जाएगी किसी दूसरे व्यक्ति के किडनी से जिसने किडनी दान में दी हो। ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा प्रश्न है, मानव की निकासी व्यवस्था में निम्नलिखित अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं? तो यहाँ पर देखो सभी प्रोसेस सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। दो किडनी और यूरेटर भी होता है, मूत्रालय होता है, यूरेथ्रा भी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किडनी हमारे शरीर में कहाँ पर मौजूद होती है? तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था किडनी जो होती है ये शरीर के पीछे कमर के ठीक ऊपर भाग में स्थित होती है। अगर आपको इसका फोटो दिखाना चाहूँ तो मैं आपको इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि जैसे ये जो किडनी जो होती है ये शरीर के ऊपरी भाग में कमर के ऊपर और बैक साइड में आपको ये स्थित मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका फोटो भी देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों हर एक क्वेश्चन के साथ में जो फोटो आपने यहाँ पर देखा है इससे आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हों। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के और भी वीडियोस मैं बनाऊं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।